नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पिन नई न्यूज। आज देश में बहुत ऐसे नेता रह गए हैं जो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। आज देश में बहुत ऐसे मंत्री रह गए हैं जो आज गरीबों के हक की बात कर रहे हैं। आज देश में बहुत ऐसे सीएम रह गए हैं जो गरीबों की आवाज उठाने के साथ साथ उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे देश आज खास करके देश के कई राज्यों में ऐसे नेता, विधायक, सांसद, मंत्री की जरूरत है जो गरीबों की सिर्फ आवाज उठाए ही ना, उनकी मदद भी करें। क्योंकि आज बहुत जरूरत है कि आज लोग महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी से भी बहुत परेशान हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए बहुत कम लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। वादे तो कर रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। और यही एक इसी तरह का जुड़ा मामला जो है राजस्थान से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, और बड़ा फैसला ये है कि उन्होंने 10 लाख की मदद की है। हॉस्पिटल में भर्ती है एक आदमी, और उनके लिए जबरदस्त उन्होंने फैसला लिया, 10 लाख की मदद की है। जब कोई आदमी हॉस्पिटल में हो, या फिर उनकी तबीयत खराब हो, या फिर उनके रोजगार छीन गए हो जिनका, चाहे कोरोना काल में ही क्यों ना हो, अब ऐसे लोगों को बहुत जरूरत है। आज देख लिए हिंदुस्तान में कितने युवाओं की रोजगार गई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उन्हें मदद नहीं किया गया। यही चीज विदेशों में देखें तो बाहरी सरकारों ने जिन युवाओं की रोजगार गए हैं उन्हें पैसा दिया गया, उन्हें मदद दिया गया है। हिंदुस्तान में ऐसा देखा नहीं गया, बस सिर्फ 5 किलो राशन ही फ्री दिया गया। और इसीलिए जनता जो उस पर नाराजगी जता रहे हैं कि हमें राशन फ्री नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, क्योंकि एजुकेशन रहेगा तब उसके बदौलत कमाई कर सकते हैं। तो अशोक गहलोत का खैर ये कदम भले ही चुनावी वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो, लेकिन इसी के बहाने कम से कम किसी गरीब का भला तो हो रहा है, किसी गरीब का फायदा तो हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। खैर देखते हैं कि कांग्रेस जिस राह पर चल रही है राजस्थान या छत्तीसगढ़ में, क्या दोबारा उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, जनता मौका देगी, बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे स्पिन नई न्यूज। नमस्कार।